दोस्तों मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ASUS ZenFone 7 एंड 7 Pro के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इसमें आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार इस बॉक्स को मैं ओपन करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसा आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम निकालते ये बॉक्स, उसके नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये प्यारा सा हमारा ASUS ZenFone 7 Pro। दोस्तों इसको भी कर लेता हूँ मैं साइड में, और इस जो सेकंड बॉक्स है यहाँ पर उसके नीचे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 33 वॉट का चार्जर। तो दोस्तों 33 वॉट का चार्जर, ऊपर से आपको यहाँ पर टाइप सी केबल भी देखने को इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या शानदार फ़ोन है यार। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला देखने को मिल जाएगा, और जो दोस्तों ASUS ZenFone 7 है उसमें आपको 865 ही देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको 7.6 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और दोस्तों इसमें एक ही वेरिएंट आता है, वो है 8GB 264GB आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ZenFone 7 की। तो ZenFone 7 में दोस्तों आपको प्रोसेसर यहाँ पर 865 देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन की ओर से। आपको सेम डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलती है, सेम कैमरा सेटअप, और दोस्तों इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो वेरिएंट्स है रैम वगैरह के और स्टोरेज, वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात रही इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, वो आपको यहाँ पर साइड में दिया गया है, आपको पीछे कोई भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यार इसका कैमरा, अगर मैं आपको बात करूँ कैमरे की, तो इस बार धांसू कैमरा यहाँ पर ASUS ZenFone 7 और 7 Pro दोनों में दिया गया है। तो जो दोस्तों बैक कैमरा होगा वही आपका फ्लिप होकर यहाँ पर फ्रंट कैमरा बन जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर कलर्स भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर कर लेते हैं बात इसके कैमरे के बारे में। दोस्तों इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको जो फर्स्ट सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा सोनी वाला दोस्तों, और सोनी का ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और दोस्तों सोनी का ही यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विथ 3x ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कैमरा, ये फ्रंट कैमरा भी बन जाएगा जबकि ये फ्लिप हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही दोस्तों ये फ्लिप होएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए सेल्फी कैमरा। दोस्तों इस फ़ोन में एक जो खराबी है वो लगी मुझे, इसमें 3.5mm ऑडियो जैक आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो 7 Pro है दोस्तों उसमें तो आप देखने को मिल जाएगा 3.5mm ऑडियो जैक, लेकिन 7 जो ASUS ZenFone 7 है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, जो कि ये अभी लॉन्च हुआ है ताइवान में, तो उसके मुताबिक दोस्तों जो आपको ASUS ZenFone 7 है वो यहाँ पर 55,000 का पड़ेगा, और जो 7 Pro है आपको यहाँ पर वो 70,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये इंडिया में इस प्राइस पे आएगा तो डेफिनेटली पिट जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर ये इंडिया में आएगा तो इसकी प्राइस मुझे पता है कि ये 50,000 से नीचे रहेगी। और दोस्तों अगर ऊपर हुई इससे, तो दोस्तों आपके पास और भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।